नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। देश के कई इलाकों में लोग इस कानून के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं, तो वहीं नागरिकता कानून के विरोध में लेफ्ट पार्टियों ने बंद का आह्वान किया है। देश भर में नागरिकता कानून के खिलाफ सुबह से ही प्रदर्शन के दौर शुरू हो चुके हैं। वहीं इस कानून के खिलाफ स्वराज इंडिया सहित 60 संगठन एकजुट होकर दिल्ली के लाल किले से मार्च निकालेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने स्वराज अभियान के प्रदर्शन को इजाजत नहीं दी है। इससे पहले विपक्षी दल के नेताओं ने नागरिकता कानून के खिलाफ एकजुट होकर राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और कानून को वापस लेने की मांग भी की थी। तो लगातार सीए को लेकर लेफ्ट का हल्ला बोल, तो आज देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि 60 संगठन कानून के खिलाफ मार्च निकालेंगे, तो लाल किले से शहीद पार्क तक ये मार्च निकाला जाएगा और सीए के खिलाफ राष्ट्रपति से भी मुलाकात विपक्ष कर चुका है। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से सीधा अनीशा दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनीशा, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि 60 संगठन मिलकर पूरे देश में जो लेफ्ट पार्टियों की तरफ से आह्वान किया गया है बंद का, उसके बाद आज लाल किले से शहीद पार्क तक का मार्च निकाला जाएगा, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है? जी, तो आपको बता दें कि जब से ही नागरिकता संशोधन एक्ट आया है, आप देख सकते हैं देश भर में इस चीज़ का आक्रोश है। वहीं अगर बात करें अभी की स्थिति की, तो ये आज 60 संगठन प्रदर्शन करने वाले हैं दिल्ली में अलग अलग जगहों पे। अभी आपको बता दें अभी की स्थिति, अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के लाल किला के बाहर। अभी आपको दिखाएंगे, अभी की अगर आपको तस्वीरें देखना चाहें तो आप देख सकती हैं कि प्रदर्शन 11:30 बजे शुरू हो जाएगा और उसके पहले ही आप सिक्योरिटी फोर्स देख सकती हैं कि कितने पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं और पूरी सुरक्षा के इंतजाम कर चुके हैं। अभी आप देखें कितने तैनात हैं पुलिसकर्मी। यही नहीं, आपको बता दें दूसरी तरफ भी पुलिस की वैंस हर 2 मिनट में आ रही हैं और इनको डिस्पर्स किया जा रहा है, क्योंकि अगर आपको जानकारी दें तो मंडी हाउस से भी प्रदर्शन शुरू होगा और ये प्रदर्शन लगभग 11:30 बजे यहाँ से जो लोग कर रहे हैं यहाँ से मार्च करते हुए ये मंडी हाउस तक जाएंगे और मंडी हाउस से फिर आगे मार्च करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ये लंबा प्रदर्शन चलने वाला है। इसके तहत सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम करे हुए हैं यहाँ के। आपको बता दें कुछ पुलिसकर्मी भी यहाँ से निकल रहे थे, उनके हाथों में टीयर गैस भी थी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि दिन पर दिन कितना बवाल हो रहा है एक तरीके से। सीलमपुर की बात करें या जामिया की बात करें, और अगर बात करें इसमें जो प्रदर्शन होने वाले हैं, जामिया के स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल होने वाले हैं, तो लगभग देख सकते हैं कि इतनी तादाद में लोग आएंगे प्रदर्शन करेंगे। इसकी वजह से सिक्योरिटी पूरी तैनात है।